इस घर की अग्नि से पूरे क्षेत्र में प्रकाश होगा। स्वाति, जिस घटना का आभास तुम्हें कई दिन पूर्व हो गया था, अब वो घटित होने की घड़ी आ गई है। अपने पूर्वाभास की शक्ति से तुम ये अनर्थ घटित होने से रोक सकती हो। उठो और इस अनिष्ट पर अंकुश लगा। उठो स्वाति, उठो। इंद्रेश, इंद्रेश उठो, इंद्रेश देखो कोई बाहर है। इंद्रेश, इंद्रेश, चित की गई इस होनी को रोक के दिखाइए देवी संतोषी। सुनो, वहीं रुक जाओ। क्या कर रहे हो ये सब? हे भगवान, पता है क्या होने वाला है? सब कुछ तो हमने देखा है। हमको यही नहीं करने देंगे, रोकना होगा हमें। बताते क्यों नहीं? हाँ, कौन हो तुम? हम स्वाति, देवेश त्रिपाठी। अभी मत पूछना कि क्या कर रहे हैं। इस घर को आग लगा रहे हैं। काहे आग लगा रहे हैं? तुम और इस घर के सारे लोगों ने मिलकर हमारी जिंदगी में आग लगाई है। तो बस अब हम उन सब को जला के राख कर देंगे जिनके चलते हम जीते जी मर चुके हैं। का? किनके चलते जीते जी मर चुके तुम? हाँ, आज जो तुम्हारा हाल है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। हम जिम्मेदार हैं? तुम हो। हमारी वजह से हमारी जिंदगी तहस नहस हो गई। काहे आई हमारी जिंदगी में? सब कुछ एकदम सही चल रहा था। छोटा सा परिवार था हमारा, अम्मा भैया भाभी। लेकिन जब से तुम आई ना, सब बिखर गया। घर छोटा, अम्मा छोटी, भैया भाभी और
और बीवी? बाबूजी ने हमको गोली मार दी, सब हमको गुनहगार समझते हैं, किडनैपर समझते हैं हमको, और इन सब की जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो स्वाति, सिर्फ तुम। देवेश देखो तुम अभी होश में नहीं हो, ये मसाल को बुझाओ, अब बात करते हैं ना। नहीं स्वाति, ये मसाल तो अब जलती रहेगी और इसके साथ चलेगा पूरा घर। इस घर में रहने वाला हर एक इंसान सबको जला के राख कर देंगे। चुपचाप ही मसाल बुझाओ वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? कहा बुरा होगा हमारे साथ स्वाति, जो होना था हो चुका, अब ना सिर्फ अच्छा होगा। कहना कि आज हम अपनी जिंदगी के सारे विलन को इस घर के साथ एक साथ चला के मार देंगे सबको। देवेश, हमारी जिंदगी के और हम सबकी जिंदगी के विलन तुम हो, सिर्फ तुम। आंखों को दोष देना बंद करो, अब इस मसाल को बुझाओ। हम चारों तरफ कैसे से फैले हुए, तुम्हें भी आग लग जाएगी। देवेश छोड़ो इसको। क्या बोल रही हो? न्याय की देवी बनती हो ना तुम, तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? अन्याय हमारे साथ हुआ और पूरे भी हम हो गए। सब कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है लेकिन गलती भी हमारी है। सबको लगता है कि बच्चा हमारा है तो भी गलती हमारी। लैला ने हमको यकीन दिलाया कि बच्चा हमारा है, हमने कानों से सुना हमने कि डीएनए रिपोर्ट में आया कि बच्चा हमारा है, तो गलती हमारी हो गई। एक नए की इरादे से तुमको तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए किडनैप किया हमने, तो भी गलत हम हो गए स्वाति। गलतियों का पुतला हो गए हम तो, और इतने से भी मन नहीं माना ना, तो एक और बड़ी गलती करने चल दी है। रिंकी जी के साथ जीवन बिताने की बात सोचने की गलती, लेकिन बस ना, अब कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं करेंगे हम अब ना। उन सारी वजहों को खत्म कर देंगे जिनकी वजह से गलतियां होती हैं, गलती करने वाले को भी और गलती करवाने वालों को भी, सबको जला के राख कर देंगे। नहीं खड़ी रहो, कहने स्वाति हर किसी को चला के मार देंगे। बंद हो गया दरवाजा, दरवाजा बंद ना, कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना ही बाहर से अंदर आएगा। स्वाति तुम हम ये घर के सारे लोग अब चलेंगे साथ साथ। अगर बंद करो प्लीज, और चाबी दो हमें, चाबी दो और मसाल को बुझाओ। क्या कर रहे हो देवेश? अब बस स्वाति, नाम सत्य, राम नाम सत्य। नहीं देवेश रुक जाओ, तुम्हें हमारी कसम। इसे समझ कर रुक जाते हैं। तुम कहती हो स्वाति तो रुक जाते, बस एक वादा करो उनसे कि तुम हमको माफ कर दोगी और घर के बाकी सारे लोगों से भी माफी दिलवाओगी और उस सनकी सिंहासन से भी। किस बात की माफी? तुमने पाप किया है देवे, हमारे इंद्रेस को मारने की कोशिश की, हम पर लांछन लगाया, हमें किडनैप किया, हमें मरने के लिए गाड़ी की डिक्की में छोड़ गए थे तुम। और स्वाति अपने दिल पे हाथ रख के बोलो स्वाति, क्या कभी हमने अपनी सीमा लांघने की कोशिश की? क्या कभी ये जानते हुए भी कि तुम हमारी पत्नी हो अपने घर पे हक जताया तुम पर? देखो वादा करो कि तुम हमको माफ करोगी और घर के बाकी लोगों से भी माफी दिलवाओगी, या
फिर इस घर के साथ साथ सबको मरते हुए देखोगे। वादा करना है या मरना है। विद्रेश, बाबूजी, जल्दी आइए, उठिए माँ जी, भाभी जल्दी उठिए, कोई तो उठो। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं उठेगा और कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। स्वाति, कहा ना कि हमने खुद सारे कमरों के दरवाजे बंद किए हैं। इसलिए जवाब दो, वादा करना है या मरना है। बेचारी स्वाति, देवेश ने तो कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा है इसके सामने। अब चलो जल्दी से वादा कर लो स्वाति कि तुम देवेश को माफ करोगी और वापस इस घर में लेकर आओगी, कि जब तक हमारा प्रिय भक्त इस घर में वापस नहीं आएगा हमारा अगला कार्य कैसे होगा। वादा करो या मरो। बस बस बस। हमारी मदद करो माँ, हमारी मदद करो माँ। जय मां संतोषी। हमारे पास वक्त बहुत कम है स्वाति, इसलिए जल्दी से बोलो वरना आग लगा देंगे हर जगह, जला देंगे सब कुछ। जल्दी बोलो। दीदी, सही और गलत का है, हम कैसे चुने कि सही का है और गलत का? जीवन में कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं जब सही और गलत में अंतर करना कठिन हो जाता है, तब हमें विचार करना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या उस कार्य से किसी का भला हो रहा है, क्या उसे अपनी भूल को सुधारने का मौका मिल सकता है, क्या उस कार्य को करने से हमें या किसी और को पश्चाताप करने का मौका मिल सकता है, क्या ये सदाचार है, क्या ये कार्य हमें अपने सात्विक स्वरूप से दूर तो नहीं कर रहा। यदि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हाँ है तो उस कार्य को करने में कोई बुराई नहीं। हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए और फैसला लेना चाहिए। स्वाति, वो हमको कहा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है, तो तुमको ना देवेश जी को भी माफ कर देना चाहिए। आखिरी बार कह रहे हैं, जवाब दो वरना जला देंगे सब कुछ। रुक जा देवेश, हम वादा करते तुम्हें माफ कर देंगे और पूरे परिवार से माफी दिलवाएंगे। सब कुछ मत करना। थैंक यू स्वाति, थैंक यू हमको एक और मौका देने के लिए, हमारी और इस घर के सारे लोगों की जान बचाने के लिए। वरना ना आज तो अपने पागलपन में हम सबको जलाने वाले थे, सबको मार देते आज। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू। थैंक यू स्वाति। चलो अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आप फिर से हमारी भक्त के जीवन में उथल पुथल मचाने आ गई देवी पौली में। देवी संतोषी, हमने कहाँ कुछ किया है, जो कुछ किया है आपकी प्रिय भक्त स्वाति ने किया है। अब आप खुद ही बताइए, क्या आवश्यकता थी उसे देवेश को माफ करने की, उसकी सहायता करने की, आप ही बताइए। ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि अभी भी आप देवत्व से बहुत दूर हैं। क्षमा करना और प्रायश्चित करने का एक मौका देना एक ऐसा गुण है जो आपके अंदर कभी नहीं आ सकता। मूर्ख बनाया है देवेश ने स्वाति को, और ये आप भी जानती हैं। ये उसका सत्य है और उसकी सोच है,
किंतु स्वाति का सत्य ये है कि उसने निस्वार्थ भाव से देवेश को एक और बार अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। मौका देके उसने स्वयं के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। आप बार बार ये भूल जाती हैं कि हम स्वाति के और अपने भक्तों के समक्ष हमेशा खड़े। अपने भक्तों की रक्षा, उनका सहयोग और उनके ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए हम सदा अपने भक्तों के साथ हैं। और ये बात इस बार आप स्मरण रखिएगा देवी पौलमी। स्वाति संतोषी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बार फिर बहुत बड़ी अनहोनी होने से डाल दी माँ। धन्यवाद माँ। स्वाति स्वाति कहो यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? देवेश ने घर में आग लगाने की कोशिश की। मतलब हमने ऐसा सपना देखा कि देवेश घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। हम बहुत डर गए थे इंद्रेश, इसलिए संतोषी से सबके लिए प्रार्थना करने के लिए आया। सटिया गई होगा, दिमाग खराब है तुम्हारा। इस सपने में भी तुमको देवेश नहीं नजर आ रहे हैं। अरे उन पर इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोचो वो यहाँ पर है भी नहीं। अरे गोली लगी है उनको, घायल है वो। साथी फोन आया था उनका हमारे पास, माफी मांग रहे थे वो हमसे, बोल रहे थे हमारे साथ घर चलो। आप सबकी खुशी के लिए नहीं गए उनके साथ, और तुम यहाँ ऐसी बातें कर रही हो। अरे रोना धोना बंद करो। आप स्वाति की कोई गलती नहीं, इसके साथ खुद ही इतना हुआ है कि क्या करेगी। इसके दिमाग का डर बैठ गया है, इसमें तो साथ खुद ही इतना अत्याचार हुआ है कि रह रहकर नींद में उसको याद आ रहा है। सुनो वैसे सही कह रही है रिंकी, अब नींद में किसने क्या देखा क्या पता, या सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। अब सच क्या है क्या पता, किसकी बात पर विश्वास करें किसकी बात माने। बहू की, बेटी की, या फिर दामाद की, पता नहीं चलता ना कौन कितने पानी में है। ए, दबान बंद रखो। खबरदार जो हमारे परिवार के बीच में बुलाना तो
अभी चलकर थोड़ा आराम कर लो। हाँ बहुरिया, तुम जाकर अच्छे से आराम कर लो और देवेश को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ।